What's up everyone, welcome back to the channel. तो guys, ये chapter भी हमारा last part है, इसमें ये chapter खत्म हो जाएगा. Chapter 2, forms of business organization में अभी तक हमने पढ़ लिया है sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business और last video में हमने पढ़ा cooperative society. इस video में हम बात करने वाले हैं company, types of company, उसके feature, merit, limitation और कंपनी के टॉपिक को मैं इस वीडियो में ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एनसीईआरटी हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, तो वहाँ हम इसको और डीप में पढ़ेंगे या हम बेसिक्स पढ़ लेंगे. सिंपल एक कंपनी की डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स एंड थोड़े से टाइप्स में भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे. स्टिल कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं. कंपनी क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एट अ कॉमन सील. ठीक है, एक कंपनी एक तरीके की आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? हम है नेचुरल पर्सन, लाइक हम ब्रीथ ले सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कंपनी ना चल सकती है ना खा सकती है. लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, लीगल फॉर्मेलिटीज कर सकती है, कैन बी स्यू एंड स्यूड. मतलब स्यूड से मतलब ये है कि वो केस कर भी सकती है और उसके खिलाफ केस हो भी सकता है. ठीक है, कॉमन सील से मेरा मतलब है एक सिंपल स्टाम्प, लाइक हम अगर कहीं एग्रीमेंट करते हैं या कुछ एक बिजनेस में आते हैं तो हम सिग्नेचर करते हैं. वैसे ही अगर कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई बिजनेस एग्रीमेंट में आना पड़ता है तो उसका स्टैम्प यूज किया जाता है. कंपनीज एक्ट मैंने बता दिया है 1956 है, और अभी अगर कोई पूछता है कंपनीज एक्ट तो आप बोलेंगे 2013 अमेंडमेंट वाला बताएंगे, लेकिन अगर पूछता है प्रीवियस कंपनीज एक्ट तो 1956. दोनों डेट आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो पहले आप 2013 लिखेगा, लेकिन अगर प्रीवियस वर्ड कहीं भी दिख जाएगी प्रीवियस कंपनीज एक्ट तो 1956. कंपनी को इसके अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती. ठीक है, अब कंपनी चलती कैसी है, कंपनी मैनेज किसके द्वारा की जाती है? तो कंपनी मैनेज की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा. अब कंपनी में पैसा कैसे आता है? तो कंपनी में पैसा आता है शेयर्स के थ्रू. जिन जो शेयर्स के मालिक होते हैं उनको बोलते हैं हम शेयर होल्डर. अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की. फीचर में भी पूरी डेफिनेशन की डेफिनेशन आ गई है, इसलिए मैंने डेफिनेशन को इतना डीप में नहीं बताया, नॉर्मल बताया और वही का वही हमारे फीचर्स में आ गया. लाइक आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंपनी एग्रीमेंट में आ सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, कंपनी के खिलाफ केस हो सकता है, लेकिन लाइक अ नेचुरल पर्सन ये ब्रेथ नहीं ले सकती, सांस नहीं ले सकती, ठीक है, ईट नहीं कर सकती. बट कंपनी कैन बी स्यू एंड स्यू, मतलब कंपनी के खिलाफ केस हो भी सकता है और कंपनी किसी के खिलाफ केस कर भी सकती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन. और किसने बनाया कंपनी को? तो ये लॉ के द्वारा बनी गई है. अब ये लॉ के द्वारा ही बनी गई है तो इसको एंड भी लॉ ही कर सकता है. ऐसा नहीं कि जैसे पार्टनरशिप में आज मन हुआ कि आज से पार्टनरशिप खत्म, तो ओरल एग्रीमेंट में तो तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन कंपनी के लिए भी अलग फॉर्मेलिटी होती है. एक बार लॉ ने अगर उसको कंपनी बता दिया कि ये कंपनी है तो लॉ ही उसको हटा सकता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता उसके बीच में. सेपरेट लीगल एंटिटी. अब सर ये क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी? तो बेटे जो लॉ है ना उसने कंपनी को ऐसा डिफाइन किया है कि कंपनीज के ओनर अलग, उनकी आइडेंटिटी अलग और कंपनी की आइडेंटिटी अलग. लाइक कंपनी खुद अपने नाम से जानी जाएगी. लाइक जैसे मुकेश अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी जी को भी आप जानते हैं नाम से और जियो का एक अलग ही नाम है, तो ऐसी उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी. अगला पॉइंट आता है परपेचुअल सक्सेशन. जो पॉइंट मैंने यहाँ छोड़ दिया था वो इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने तुमको लॉ के बारे में नहीं बताया था, और अभी मैंने आपको बता दिया है कि परपेचुअल सक्सेशन सीधी सी बात यह है कंपनी का ओनर चेंज हो जाए, कंपनी को कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो कभी एंड नहीं होता. कंपनी को सिर्फ लॉ ही एंड कर सकता है और लॉ ही स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, इसलिए उसका जो सक्सेशन है परपेचुअल सक्सेशन. अब बात कर लेते हैं कंट्रोल की. यहाँ मैंने बोला था कि कंपनी में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो कंट्रोल रहता है कंपनी के हाथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है, एक तरीके के शेयर होल्डर्स ही रहते हैं,
जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें भी दो टाइप के होते हैं, वो फर्दर हमको आगे चैप्टर्स में पढ़ना है इसलिए मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। अब सर बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की। तो जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है ना, ये एक तरीके से इसका डीमेरिट भी है कि ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लाइक पार्टनरशिप में नॉर्मल ओरल एग्रीमेंट कर लो या रिटर्न में डीड बना लो। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं लगता, आज मन करा आज दुकान खोल के बैठ गए। लेकिन जो हम बात करते हैं कंपनी की, अब ऐसा नहीं कि ये भी बहुत हार्ड है, करने वाला सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो इसकी फॉर्मेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है। लाइक पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाना पड़ता है, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आगे चैप्टर में आप डीप में पढ़ोगे क्या होता है, ठीक है उसमें क्या आता है। लेकिन जो इसका फॉर्मेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट भी है। कॉमन सील, लाइक हम एग्रीमेंट करने के लिए सिग्नेचर करते हैं तो वो हमारा एक तरीके का कॉमन सील है या स्टाम्प है। ऐसे अगर कंपनी के नाम से कोई डील होती है या कोई एग्रीमेंट होता है तो वो आता है कॉमन सील, दैट इज स्टैम्प, एक तरीके से कंपनी का स्टैम्प रहता है। आई होप आपको फीचर्स क्लियर होंगे। अगर फीचर क्लियर हो गए तो मेरिट डीमेरिट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये टॉपिक को ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में इसको हमको बहुत डीप में पढ़ना है और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि कंपनी के बारे में कोई कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट्स की। कंपनी का सबसे पहला मेरिट है और ये पूरे चैप्टर की जान, हमारी प्यारी लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। ये वही बात हो गई, लिमिटेड है तो मेरिट, अनलिमिटेड है तो डीमेरिट। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब मान लो कंपनी को लॉस हो जाता है, मान लिया लॉस हो गया। अब कंपनी को अगर लॉस हो गया है तो जो कंपनी के ओनर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या कंपनी के जो मालिक है, उनके पर्सनल एसेट यूज नहीं होंगे। कि भाई अगर मान लो 1 करोड़ रुपीस का डेट है और कंपनी के एसेट हो रहे हैं 80 लाख के, तो फर्दर उसको कंपनी कमा के देगी, कंपनी कैसे भी देगी, खुद बिक जाएगी। लेकिन जो हमारे ओनर्स उनके पर्सनल एसेट को बेच के या उनका किसी भी तरीके से उनसे पैसा लेके उनको पे ऑफ नहीं किया जाएगा, दैट्स वाई उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। परपेक्चुअल एग्जिस्टेंस, लाइक कंपनी कभी एंड नहीं होगी, ये सक्सेशन से ही निकल के आया है। सक्सेशन एग्जिस्टेंस एक ही चीज है, परपेक्चुअल सक्सेशन, परपेक्चुअल एग्जिस्टेंस। लाइक कंपनी लॉ के द्वारा ही बनाई गई है और लॉ ही उसे मिटाएगा, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस कोई नहीं मिटा सकता, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे नहीं रहे, ओनर का। जैसे मान लीजिए दो लोग मिलकर कंपनी खड़ी करी, अब बाद में उनके बीच कोई कंफ्लिक्ट होता है तो उन्होंने लड़ाई कर ली, तो वो बाद में अपनी अलग कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने कंपनी खोली है जब तक उसको लॉ बंद नहीं करेगा कोई और उसको बंद नहीं कर सकता। इन्हें भले ये दूर हो जाए लेकिन वो लॉ की नज़र में आज भी कंपनी रहेगी, ठीक है। स्कोप ऑफ एक्सपांशन, लाइक हम देखते हैं पार्टनरशिप में जो फंड रहता है वो सिर्फ पार्टनर्स के फंड तक का ही रहता है, सोल प्रोपराइटर्स में उसकी पर्सनल सेविंग और बोरोइंग्स तक का ही रहता है। लेकिन जो कंपनी है टाइम टू टाइम शेयर इशू करके पैसा फंड रेज कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के ओनर कैपिटल लगा के, तो जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है मतलब जो फ्यूचर ग्रोथ है बिजनेस की, जो कंपनी बिजनेस कर रही है उसका स्कोप बहुत वाइडर है। लाइक कंपनी कभी भी चाहे तो अपने ग्रोथ बढ़ा सकती है, लाइक मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर सकती है। अभी तक सिंगल में कर रही थी, आज उन्होंने सोचा कि अब हमारा ब्रांड वैल्यू बन गई है, हम फर्दर हमारे स्कोप बढ़ा दें या हमारा प्रोडक्ट और लॉन्च कर दें। लाइक पहले सिर्फ पाउडर में डील करते थे, अब क्रीम में डील करेंगे, फेस वॉशेस में डील करेंगे, तो अपने जो स्कोप है उसको बढ़ा दें। अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस की, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो उसके साथ उसकी बुरी चीज़ें भी जुड़ी रहती हैं, ठीक है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। देखो ये भले इसका डीमेरिट है बट कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए आती है क्योंकि कंपनी बनाना आसान बात नहीं है, ठीक है। अब तुम सोचो कि भाई आज मुंह उठाए चल दिए कंपनी खड़ी कर दी, तो ऐसा नहीं, बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है और इतनी भी कोई टफ नहीं है जितनी मैं बता रहा हूँ या बुक्स में इतना लिखा है, क्योंकि बुक्स हमको सिर्फ उतना ही बताती है जो है, बट एक्चुअली अगर तुम प्रैक्टिकली देखोगे ना तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ टाइम तो हर चीज़ में लगता है, ठीक है, बट एक नॉमिनल टाइम लगता है, इतना कोई डीप मतलब वो नहीं है कि भाई कॉम्प्लेक्स है तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है इसमें, ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लीगल हमको बाय लॉस चलना पड़ता है इसलिए, क्योंकि लीगली काम करने में टाइम लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकेंड डिमेरिट की, दैट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में तो होता है सिंगल ओनर, अब सिंगल ओनर है तो वो किसी से पूछेगा नहीं कि मुझे क्या करना है। लेकिन यहाँ जब कंपनी की बात करते हैं तो बोर्ड बैठता है बहुत बड़ा, लेकिन मान लीजिए 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 15 है,
तो मिलके डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन लेंगे तो आधे मान जाएंगे आधे नहीं मानेंगे। मान लीजिए 15 लोग हैं, अब 8 ने बोल दिया कि भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, 7 नहीं मान रहे। अब है तो वो भी फोटो डायरेक्टर और उनके साथ ही काम करना है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन मान लो और 10 दिन मीटिंग चली, 15 दिन चली, 20 डे पे मान लिया चलो ठीक है भाई तुम सही बोल रहे थे, 15 एक ही डिसीजन के फेवर में आ गए, तो इसमें कितने डेज बिगड़ गए? 20। तो कितना कहाँ से सोचा हुआ था, 1 तारीख से तुम मीटिंग कर रहे हो, आज 20 तारीख हो गई है, कितना डीले आया डिसीजन मेकिंग में। दैट इज इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब हम बात कर लेते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। अब देखो प्राइवेट कंपनी है तो नॉर्मली उनके तक ही इन्फॉर्मेशन रहती है, तब भी उनकी बैलेंस शीट वगैरह उनका अकाउंट्स ये सब उनको बताना पड़ता है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, उनको क्या रहता है, लैक ऑफ सीक्रेसी। जो उनके अकाउंट्स है, उनका क्या बोलते हैं बैलेंस शीट है, उनका प्रॉफिट है, उनका लॉस, उनको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉइज को या बोर्ड को, ओनर को या उनके जो शेयर होल्डर्स है उनको बताना पड़ता है, ताकि अगर वो फ्यूचर में उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा यही खत्म हो गया। इसमें एक बचा है टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो टाइप्स ऑफ कंपनी में अभी आगे डिस्कस कर रहा हूँ, पर बेसिकली 3 टाइप की होती है, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। अब सर ये ओपीसी क्या है? 1% कंपनी। ये 1% कंपनी कब आई? जो ये मैंने बोला था ना यहाँ अमेंडमेंट आ गया हमारे 2013 में, 2013 जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया, वहां पे ये कंपनी का जन्म हुआ। ये ओपीसी बनाने की लीगल फॉर्मेलिटीज दे दी गई, ठीक है, मतलब वो 2013 के बाद ही आई है 1% कंपनी। आप जब तक इसको नोट करो, मैं आया टाइप्स ऑफ कंपनीज के साथ। तो गाइज अभी तक हमने पढ़ लिया है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ ली, फीचर मेरिट डिमेरिट पढ़ लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो बेसिकली ऐसे तो 2 टाइप्स की होती है, लेकिन 2013 में जो कंपनीज एक्ट में अमेंड आया है, चेंज आया है, उसके हिसाब से एक कंपनी और जनरेट हो गई है, एक और टाइप की कंपनी आ गई है, दैट इज 1% कंपनी। अपन सिंपल से ये बेसिक डिफरेंस समझेंगे, इससे आप कंपनी के बारे में पैराग्राफ भी लिख सकते हैं और बेसिस ऑफ डिफरेंसेस का डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक नहीं होती है। सिंपल सी बात है, मैं इन्हीं पॉइंटों में से इसकी डेफिनेशन निकाल देता हूँ। एक ऐसी कंपनी जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक नहीं होती। अब बात कर लेते हैं पब्लिक कंपनी। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं होती है, ठीक है, इसके शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू होते हैं। अब सर 1% कंपनी क्या है? प्राइवेट पब्लिक को सुना हुआ है, सर 1% क्या है पहली बार सुन रहे हैं। तो 1% कंपनी आई है एक सिंगल पर्सन के द्वारा, ओन मैनेज और कंट्रोल की जाती है। इसको लाया गया है 2013 में, जब कंपनीज एक्ट में चेंज आया था। अब हम इसके डिफरेंस के साथ ये चैप्टर को भी एंड करेंगे। स्टिल कोई डाउट आए लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और हाँ ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने किया हुआ ही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेंबर्स की। बेसिस में आता है, पहला बेस आया मेंबर्स की, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होंगे, पब्लिक में कितने होंगे और 1% में कितने होंगे। तो हम बात कर लेते हैं प्राइवेट में। तो प्राइवेट में होंगे मिनिमम होंगे प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम होंगे 20। लेकिन हम बात कर रहे हैं पब्लिक की, तो जो मिनिमम मेंबर रहेंगे वो होंगे 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शेयर जनरल इशू पब्लिक को होते हैं। अब मान लो कोई शेयर है 100 रुपीज़ का और मैंने 10 शेयर्स खरीद लिए, तो कंपनी का ओनर मैं हो गया। कैसे? 1000 रुपीज़ तक की ओनरशिप मेरे पास है या उसके शेयर्स मेरे पास है, तो मैं कंपनी का एक तरीके से मेंबर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 1% कंपनी की। तो 1% कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक सिंगल पर्सन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे। तो देखो सीधी बात है, जो इसके मैक्सिमम नंबर है अभी तक कोई स्पेसिफाइड नहीं है, बट होते हैं 15, पब्लिक ले लो चाहे प्राइवेट ले लो। लेकिन जिनका मिनिमम है, मिनिमम जरूर याद रखना, प्राइवेट में होता है 1 और पब्लिक में होते हैं 3, लेकिन जो इनके मैक्सिमम होते हैं 15 होते हैं या 15 होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओपीसी की। तो ओपीसी सिंगल पर्सन है तो डायरेक्टर भी एक ही होगा। अब बात कर लेते हैं कैपिटल। भाई कंपनी खड़ी कर ली, पैसा कहाँ से लाओगे? तो जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो प्राइवेट में होता है 1 लाख, पब्लिक में होता है 5 लाख और ओपीसी में 1% कंपनी में होता है 1 लाख, ठीक है सर ये भी हो गया। अब सर कंपनी है तो शेयर भी इशू करेगी, तो कौन सी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है?
सिंपल सी बात है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो शेयर इश्यू नहीं करेगी, लेकिन अगर वो कोई पब्लिक कंपनी है तो जो उसके शेयर है वो जनरल पब्लिक को इश्यू होंगे, ठीक है। जो ओबीसी होती है, दैट इज वन पर्सन कंपनी, वो किसी को शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है फ्यूचर में जाके तो वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों में कन्वर्ट हो सकती है। अब अगर हम बात करें नेम, लाइक उनके एंड में क्या लगता है, किस नाम से जानी जाती है, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके वर्ड में एंड में लिखा होगा पीवीटी एलटीडी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड। ये एलटीडी मत पढ़ना, इसको लिमिटेड बोलना, ओके। उसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड। ये क्वेश्चन वायवा में भी पूछ लेते हैं कि एलटीडी क्यों बोलते हैं, तो लिमिटेड वर्ड होता है। पब्लिक कंपनी हो तो उसमें सिर्फ एलटीडी लगेगा, एलटीडी मतलब सिर्फ लिमिटेड। अगर ओपीसी हो तो ओपीसी लगेगा, ठीक है गाइस। तो ये चैप्टर हमारा यहीं एंड होता है, यहाँ हमने कंपनीज को भी खत्म करते हुए हमारा बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। स्टिल कोई डाउट है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी तक ज्वाइन कर लो। स्टिल टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।